इमारतों में मिलावट का खेल तेजी से शुरू हो गया है और मिलावटखोर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने का काम तेजी से जारी कर देते हैं। इसी के चलते होली के त्यौहार को देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों से लेकर विभागीय अधिकारियों को मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से कानपुर देहात के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने खाद्य पदार्थ के निर्माण करने वाले जगहों पर छापेमारी की, साथ ही कई खाद्य पदार्थों के नमूने भी संकलित किए। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जनपद के विभिन्न हिस्सों पर छापेमारी कर खोया, खाद्य तेल, पापड़ सहित खाद्य पदार्थों के 25 नमूने संकलित किए और भारी मात्रा में मिलावट खाद्य पदार्थों को नष्ट भी किया। होली के त्यौहार में खोया, तेल, घी, पापड़ सहित अन्य खाद्य पदार्थों की मांग तेज हो जाती है, जिसको देखते हुए मिलावट माफिया सक्रिय हो जाते हैं और मार्केट में भारी मात्रा में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री कर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का काम तेजी से शुरू कर देते हैं। कई नमूने भरे गए, जो खोया के हम लोगों ने 12 नमूने भरे हैं, तेल के हमने भरे हैं 6 नमूने, घी के 1 नमूना भरा है और कचड़ी, पापड़, चिप्स, नमकीन के 2 नमूने भरे हैं और अन्य खाद्य पदार्थों के 4 नमूने भरे हैं। कुल मिला 25 नमूने अभी तक हम लोगों ने भरे हैं और काफ़ी मात्रा हम लोगों ने सीजर किया, जहाँ पे ही मौके पे हमें संदिग्ध मिला तो हम लोगों ने काफ़ी मात्रा में खोया भी नष्ट कराया और सरसों का तेल वगैरह भी मौके पे जब्त कर लिया, जबकि रिपोर्ट आने पर उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाए।